फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनन्या कुकबुक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज ओडिशा फेमस दही बरा आलू दम बनाऊंगी। चलिए देखते हैं कैसे बना रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले दही बरा बनाएंगे। दही बरा के लिए मैं उड़द डाल रही हूँ बरा बनाने के लिए। तो उड़द दाल को मैं 4-5 घंटा पहले पानी में भिगो के रखी थी, अभी उसको ग्राइंड करूंगी। उड़द दाल के साथ मैं जिंजर और ग्रीन चिली ले रही हूँ। सभी को मिला के एक पेस्ट, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को मैं एक जगह में निकाल ली हूँ। अभी इसको ऐसे फेंट लेंगे करीब 10-15 मिनट, ताकि वो जो पेस्ट वो हल्का हो जाए। बड़ा बहुत फ्लफी बनेगा उससे। उसको चेक करने के लिए मैं एक कटोरी में पानी ली हूँ, उसके ऊपर मैं थोड़ा बैटर डाली हूँ। देखिए वो कैसे फ्लट कर रहा है, इसे पता चलेगा कि वो हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे बने हैं कि नहीं। पेस्ट को कुछ देर रख लेंगे। अभी घुगनी बनाएंगे। घुगनी के लिए मैं एक प्रेशर कुकर में ग्रीन पीस ली हूँ, वो सूखी ग्रीन पीस है। उसके साथ मैं छोटा छोटा काबुली चना ली हूँ, 2 छोटे टमाटर ली हूँ, लाल मिर्च पाउडर ली हूँ और स्वाद के अनुसार नमक। मैं एक साथ सब मसाला को डाल के प्रेशर कुक कर लूंगी और हल्दी। अभी मैं होममेड गरम मसाला भी डालूंगी। अभी मैं उसमें पानी दे दूंगी। जो काबुली चना है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं आलू देखी प्रेशर कुकर को बंद करके 4-5 व्हिसल आने तक कुक कर लेंगे। ये देखिए मटर अच्छे से बॉईल हो गया है, इसमें अभी तड़का लगा देंगे। तड़के के लिए मैं गैस में कढ़ाई बिठाई हूँ, उसमें थोड़ा तेल डाली हूँ। तेल जब गर्म हो गया है उसमें मैं पंचफोरन डाल रही हूँ। पंचफोरन चटकने के बाद उसमें मैं जो बॉईल होके मटर था उसको मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर और कुछ देर ऐसे भून लेंगे, क्योंकि मटर में मैं सब मसाला ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। पानी थोड़ा ऐड करूंगी, उसके साथ पानी के हिसाब से मैं नमक ऐड करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी नमक बॉयल होने के टाइम में दे दी थी। अभी इसमें कुछ मसाला और नहीं डालूंगी, बस ऊपर से मैं थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी। अब मेरा घुगनी बन के रेडी हो गया है। चलिए अभी बड़ा फ्राई कर लेंगे। बटर में मैं अभी नमक डाल रही हूँ, कढ़ाई में तेल ही हूँ। अभी इसमें छोटा छोटा ऐसे बड़ा बना लूंगी। तेल में ऐसे जो फ्लैट हो रहा है काला काला, ऑलरेडी इसमें मैं बहुत बना चुकी हूँ, तो वही जो टुकड़ा है वही फ्लैट हो रहा है और कुछ नहीं। ये देखिए मेरा दोनों तरफ से बड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको अभी निकाल लेंगे। निकाल के एक जगह में जो हल्का लुकवार्म वाटर में रखी हूँ उसमें डाल दूंगी, ताकि वो बड़ा से जो तेल है वो निकल जाए और बड़ा थोड़ा पानी सॉक कर ले। जब तक बड़ा पानी सॉक कर रहा है उसी टाइम में मैं दही बना लूंगी अच्छे से। दही में मैं थोड़ा पानी डाली हूँ, उसके साथ मैं मैंगो जिंजर और ग्रीन चिली को कूट के रखी थी वो भी ऐड कर रही हूँ, और ये भजा मसाला है वो डाल रही हूँ, और स्वाद के अनुसार नमक। ये सभी को अच्छे से मिला लेंगे दही के साथ। ये देखिए मेरा बड़ा अच्छे से पानी सॉक कर लिया है, बहुत फ्लॉपी हुआ है, थोड़ा सा ही प्रेस करने से वो टूट जा रहा है। अभी इसको पानी से निकाल के मैं दही पानी में ऐड कर दूंगी और ऊपर से थोड़ा मैं धनिया पत्ता डाल दूंगी। कोई कोई इसमें तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तड़का नहीं लगा रही हूँ। दही बड़ा भी अभी बन गया है। चलिए अभी आलू दम बना लेंगे। आलू दम बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में थोड़ा तेल ली हूँ। तेल जब गर्म हो गया इसमें मैं पंचफोरन डाल ली हूँ। पंचफोरन चटकने के बाद उसमें मैं टमाटर 2 काट के रखी थी वो भी डाल ली हूँ। टमाटर को जल्दी पकने के लिए मैं उसमें थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। आलू के हिसाब से मैं एक साथ नमक ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा ये मैं होममेड गरम मसाला भी इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर उसमें आलू डाल देंगे। आलू को ऐसे ही 2 मिनट फ्राई कर लेंगे, देन प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। ये देखिए मेरा आलू अच्छे से बॉईल हो गया है,
ऊपर से थोड़ा मैं कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, बन के रेडी हो जाएगा आलू दम। आलू दम भी बन गया है, चलिए अभी प्लेटिंग कर लेते हैं। एक प्लेट में मैं 6-7 दही बड़ा ले ली हूँ, उसके ऊपर मैं यहाँ पे घुघनी डाल रही हूँ। अभी मैं आलू दम उसमें ऐड कर रही हूँ। अभी थोड़ा भजा मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा चाट मसाला ऊपर से मैं थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, देन बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरा दही वाला आलू दम बन के रेडी हो गया है, चलिए इसको खा लेते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।